अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रबीउल अव्वल में दुरूद शरीफ पढ़ने के 5 बड़े फ़ायदे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा प्यारी है, आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया 3 लोगों को कोई भी बात नहीं बताना, कोई भी राज कभी नहीं बताना, और बताएंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आयतल कुर्सी पढ़ने की फजीलतें और बरकतें। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे हज़रत अली ने फरमाया वफादार और बेवफा बीवी की पहचान कैसे करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने कुछ करीबी लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रबीउल अव्वल ये वो महीना है कि जिसकी 12 तारीख को अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इस महीने में आप कसरत के साथ हर दिन दुरूद पाक पढ़ा करें। इस महीने में दुरूद पाक पढ़ने की बहुत फजीलतें और बरकतें हैं। 5 फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। नंबर 1, जिसने मुझ पर 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजता है। नंबर 2, बरोज़े कयामत लोगों में से मेरे करीब से करीब तर वो होंगे जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। नंबर 3, जिसने मुझ पर 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजता है और उसके नामे आमाल में 10 नेकियां लिखता है। नंबर 4, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्ज़ी है कि कम पढ़े या ज़्यादा। नंबर 5, जो मुझ पर 1 दिन में 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम न देख ले। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया 3 लोगों को कोई भी बात नहीं बताना, अपना कोई भी राज नहीं बताना। हज़रत अली की खिदमत में एक शख्स आया और अर्ज़ करने लगा या अली, मेरी कहीं भी इज्जत नहीं होती, मैं हर जगह रुस्वा हो जाता हूँ, मैं क्या करूँ? तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम कहीं भी रुस्वा ना हो तो अपने राज छिपाया करो, क्योंकि जब तक तुम्हारे राज तुम्हारे पास हैं वो तुम्हारे ग़ुलाम हैं, लेकिन जब तुम अपनी ज़ुबान से अपने राज बयान कर लेते हो तो उसके बाद तुम अपने राज के ग़ुलाम बन जाते हो। तो उस शख्स ने कहा कि या अली, वो कौन से लोग हैं जिनसे राज बयान करना इंसान की रुसवाई का सबब बनते हैं? बस ये कहना था तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया कभी भी औरत के सामने अपने राज बयान न करना, क्योंकि औरत के दिल और ज़बान के बीच में फासला कम होता है। नंबर 2, और कभी भी बेवकूफ़ दोस्त के सामने अपने राज बयान न करना, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि किस जगह क्या बोलना है, वो तुम्हारा भला भी करना चाहेगा तब भी बुरा कर बैठेगा। और तीसरा, वो इंसान जो झूठ बोलता हो, गीबत करता हो, उसके सामने कभी भी अपने राज ना बताना, क्योंकि यही उसकी बुराई तुम्हारे लिए रुसवाई का सबब बनेगी। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आयतल कुर्सी पढ़ने की फजीलतें और बरकतें। एक दिन नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जोहर की नमाज का वज़ू बना रहे थे। इतने में रसूलल्लाह के एक प्यारे सहाबी हज़रत सलमान फ़ारसी रोते हुए आए। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा ऐ सलमान, रोते क्यों हो? हज़रत सलमान फ़ारसी ने फरमाया ऐ मेरे नबी, मेरा एक बेटा है जो बहुत बीमार है, मुझे डर है कि मैं नमाज़ पढ़कर घर जाऊं और कहीं मेरा बेटा अल्लाह को प्यारा ना हो जाए, इसलिए मैं रो रहा हूं। हज़रत सलमान फ़ारसी की बात सुनकर नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ सलमान, एक पानी का भरा हुआ प्याला लेकर आओ,
अब आयतल कुर्सी मैं भी पढ़ता हूँ और तुम भी पढ़ो, फिर इस पानी में फूंक मारो। लिहाजा इस पानी में फूंक मारने के बाद नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो प्याला सलमान फारसी को देते हुए फरमाया, ऐ सलमान घर जाओ और ये पानी अपने बेटे को पिला दो। हज़रत सलमान फारसी घर गए और बाहर से ही पानी का प्याला देकर वापस आने लगे। उनकी फ़िक्र ये थी कि कहीं मेरी नमाज छूट ना जाए। दोस्तों जब वो आए और जैसे ही हमारे नबी ने सलाम फेरा, अभी दुआ पढ़ना बाकी थी कि हज़रत सलमान फारसी अपने बेटे की फ़िक्र में खड़े होकर जाने लगे। कुछ कदम आगे चलने के बाद हज़रत सलमान फारसी के कदम वहीं रुक गए। उन्होंने देखा कि आखिरी सफ में उनका बेटा नमाज़ पढ़ रहा था। हमारे नबी ने हज़रत सलमान फारसी की तरफ़ देखा और मुस्कुराने लगे। हज़रत सलमान फारसी की आंखों में आंसू आ गए। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान फारसी से फरमाया कि ऐ सलमान, क्या तू ये समझाता कि तेरा बेटा अल्लाह को प्यारा हो जाएगा? दुनिया की सारी दवाएं जहां काम करना बंद कर देती हैं, वहीं से तो आयतल कुर्सी अपना काम शुरू करती है। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, ऐ सलमान तूने आयतल कुर्सी पढ़ी, और कयामत तक आने वाले जो भी मेरे उम्मती पानी पर आयतल कुर्सी पढ़कर दम करेंगे और उस पानी को पियेंगे, इंशाअल्लाह फौरन उन्हें शिफा मिलेगी। आयतल कुर्सी पढ़ने के फ़ायदे। नंबर एक, घर से निकलते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ोगे तो 70,000 फरिश्ते हर कदम पर आपकी हिफाजत करेंगे। नंबर दो, घर में दाखिल होते वक्त पढ़ोगे तो घर से मोहताजी दूर होगी। नंबर तीन, वुज़ू के बाद पढ़ोगे तो 70 दर्जे बुलंद होंगे। नंबर चार, रात को सोते वक्त 3 बार पढ़ोगे तो सारी रात अल्लाह की हिफाजत में रहोगे। नंबर पाँच, अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ोगे तो मरने के बाद एक पैर ज़मीन पर और दूसरा जन्नत में होगा। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया वफादार और बेवफा बीवी की पहचान। इसके बाद बताएंगे कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सोते वक्त 5 गलतियाँ नहीं करना। हज़रत अली की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज़ करने लगा, या अली, मैं किसी को पसंद करता हूँ और अब उससे निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन या अली एक सवाल मेरे जहन में है कि क्या ये मेरे लिए वफादार बीवी साबित होगी या नहीं। बस ये कहना था तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स याद रखना, जो औरत अपने वालदैन की तौहीन करती हो, अपने उस्ताद से बदतमीज़ी करती हो, अपने घर की शिकायतें करती हो, तो समझ जाना कि ये आने वाले वक्त में एक अच्छी बीवी साबित नहीं होगी। औरत को औरत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके वजूद में छुपना छिपाना लिखा है। जो औरत अपने घर के राज किसी गैर के सामने बयान करे, तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में वो तुम्हारे ऐब भी किसी के सामने बयान करेगी। उसने कहा, या अली, कोई ऐसा अमल या ऐसी दुआ जिससे इंसान और ज़्यादा वाज़ेह हो जाए? तो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, इस ज़मीन पर सबसे बदतरीन अमल झूठ है, जो तमाम गुनाहों की जड़ है। याद रखना, जिस औरत की फितरत में झूठ हो, फरेब हो, धोखा हो, वो कभी भी किसी के साथ वफा नहीं करती। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोते वक्त ये 5 गलतियाँ कभी नहीं करना। नंबर एक, पेट के बल ना सोएं, यानी कुछ लोग उल्टा सोते हैं, पेट को नीचे और पीठ को ऊपर करते हैं, तो उल्टा लेटना अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं, लिहाजा पेट के बल ना सोएं। नंबर दो, पाँव पर पाँव रखकर सोना, जैसा कि कुछ लोग पैर पर पैर रखकर सोते हैं, तो इस तरह भी नहीं सोना चाहिए। इससे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। नंबर तीन, ऐसी छत पर सोना कि जिसमें गिरने का डर हो, तो ऐसी छत पर ना सोया जाए। नंबर चार, जब लड़का 10 साल का हो जाए तो माँ और बहनों से उस लड़के को अलग सुलाया जाए, साथ में ना सुलाया जाए। इससे हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है।
नंबर 5, मगरिब और इशा के बीच ना सोएं। दोस्तों बाज मर्तबा ध्यान नहीं दिया जाता और लोग ऐसे ही लेट जाते हैं और मगरिब और इशा के बीच में भी सो लेते हैं, तो मगरिब और इशा के बीच में भी ना सोया जाए, ये मकरूह है। प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।